नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश सिंह आपका अपना चैनल यूट्यूब में स्वागत करते हैं। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं नंबर सिस्टम चैप्टर। दोस्तों, इस चैप्टर में जो टॉपिक लेके आए हैं वो है शून्यांक। शून्यांक ज्ञात करना। दोस्तों, अगर इस टिक और कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो बहुत समय लग जाएगा इस क्वेश्चन को हल करने में। तो आपको आज मैं ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा जो इस क्वेश्चन को देखते मात्र 3 सेकंड में इसका सलूशन निकालेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 … 10 में शून्यांकों की संख्या कितना है। शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 … कहां तक है? 10 तक में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग प्रोसेस बनाएंगे तो 1 से लेकर 10 तक को गुना करना पड़ेगा और गुना करके फिर देख चेक करना पड़ेगा। जो गुना करके जो संख्या आएगा उसमें देखना पड़ेगा कितना जीरो है, तब जाकर शून्यांकों की संख्या ज्ञात होगा। तो छोटा डिजिट रहेगा 1 से 10 तक तो आपको आसानी से गुना कर लीजिएगा। लेकिन अगर कहेगा 1 से लेकर 100 तक शून्यांकों की संख्या निकालें तो ये आपका ये संभव नहीं है गुना करना। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में लास्ट डिजिट पर गौर करेंगे कि लास्ट मेरा कितना है। तो लास्ट डिजिट मेरा कितना है? 10। 10 को क्या करेंगे? 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करने पर कितना आएगा दोस्तों? डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर 2 आया। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितना है निकल गया मेरा? शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या मेरा निकल गया है 2। अगर एक और इसमें ध्यान देने का चीज क्या है कि अगर डिवाइड करने पर अगर 2 से ज्यादा है, अगर यहाँ जो संख्या है डिवाइड करने पर यहाँ 2 है तो शून्यांकों की संख्या 2 हो गया। अगर शून्यांकों की संख्या अगर इसको डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड करने पर 5 से अधिक आएगा तो क्या करेंगे? फिर से उसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके शून्यांकों की संख्या निकालेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उसमें जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 … 79 × 80 में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करते हैं। शून्यांकों की संख्या कितना होगा? क्या है? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 … कहां तक लेकर चलना है? अभी 80 तक लेना है शून्यांकों की संख्या। तो इसमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? फिर इसको लास्ट डिजिट पर गौर करेंगे। लास्ट डिजिट मेरा कितना है? 80। 80 को क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। तो 16×5 दोस्तों होता है 16×5 = 80। तो मेरा ये शून्यांकों की संख्या नहीं होगा। ये क्या है? 16 जो है 5 से अधिक है, इसीलिए इसको फिर से 16 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 को फिर से डिवाइड करेंगे, 15 ये पूरा नहीं कटेगा। कितना वाले में कटेगा? 3 वाले में। शेष को मतलब नहीं है, यहाँ देखते हैं कहाँ तक कटा है। 3 वाले में कटा है, पूरा पूरा नहीं काटना है इसको। तो 3 बार टोटल मेरा शून्यांकों की संख्या कितना है? 16 और 3 इसको जोड़ लेते हैं, 16 और 3 कितना है दोस्तों? 19। तो मेरा शून्यांकों की संख्या कितना है इसमें? इसमें शून्यांकों की संख्या निकल गया है, शून्यांकों की संख्या है मेरा 19 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 … 100 में शून्यांकों की संख्या निकालना है। इसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगा? उसकी संख्या। तो फिर लास्ट डिजिट मेरा कितना है? 100। 100 को क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। कितना है दोस्तों? 20×5 = 100। फिर ये 20 को 5 से डिवाइड किया, 5 से अधिक है 20, इसलिए फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से। 5 को कितना हो? 20। टोटल शून्यांकों की संख्या कितना है? 20 और 4 कितना हो गया? 24। ये मेरा शून्यांकों की संख्या निकला। शून्यांकों की संख्या कितना आया? 24। ये मेरा आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 ×
टू इंटू थ्री इंटू फोर डॉट 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 500 में शून्यों की संख्या निकालना होगा क्योंकि संख्या उसी तरह करेंगे लाख की पर गौर करेंगे लाख की जीपी कितना है 500 500 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे कितना है 100 100 5 से अधिक है फिर इसको डिवाइड करेंगे 100 को 5 से 20 बचे 100 फिर ये 20 में 5 से अधिक है फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 को 20 अब ये 4 5 से छोटा है तो छोड़ देंगे अब टोटल को ऐड कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों 100 और 20 को ऐड करेंगे तो 120 और 4 को ऐड करेंगे तो 124 मेरा टोटल शून्य को संख्या कितना है 124। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है मेरा अगला क्वेश्चन है 1 × 2 × 4 × 6 × 8 डॉट डॉट इंटू 15 में शून्य को की संख्या निकालना शून्य को की संख्या निकालना है तो इसमें क्या करते हैं लास्ट डिजिट पर गौर करेंगे लास्ट डिजिट कितना 50 तो हमको 50 लेके नहीं चलेंगे क्योंकि यहां पर क्या है 2 है 4 है 6 है 8 लगातार नहीं है एक एक करके गैप है तो गैपिंग क्वेश्चन रहेगा तो कितना गैप हो गया टोटल 50 है नहीं यहाँ टोटल 1 से लेकर स्टार्ट नहीं है यहाँ 2 के बाद 4 है फिर 6 है फिर 8 है फिर डॉट डॉट करके 50 है मतलब एक एक गैप है 50 में तो टोटल कितना यहाँ संख्या 50 नहीं हो गया यहाँ कितना हो गया 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे कितना हो गया 5 शून्य को भी संख्या निकल के आया कितना 5 तो यहाँ 5 होगा नहीं यहाँ पर क्या करेंगे एक और करेंगे 5 से क्योंकि 5 से हमको लेकिन जब तक कटेगा जब तक आते 5 से छोटा रहेगा तो छोड़ेंगे तो फिर 5 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया टोटल शून्य की संख्या कितना है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 1 × 3 × 5 × 7 × …79 में शून्य की संख्या कितना हो शून्य की संख्या इस तरह क्वेश्चन में क्या है दोस्तों ये क्या है ओड नंबर है ओड नंबर में किसी भी संख्या को गुणा करने पर 0 नहीं आएगा तो ओड नंबर में अगर शून्य की संख्या निकाल जैसे 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 15 करेंगे तो 105 तो इसमें कहीं भी 0 आने की संभावना नहीं है 0 नहीं आएगा इसमें शून्य की संख्या जब भी देखिएगा ओड नंबर में रहेगा ये क्वेश्चन अगर अगर ये विषम संख्या में रहेगा तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगा 0 इसमें शून्य की संख्या निकालना होगा तो क्या होगा शून्य की संख्या होगा 0 इसमें शून्य की संख्या नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है 1 × 2 × 4 × …… 3 × 4 × …… …10 × में शून्य की संख्या निकालना है शून्य की संख्या क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन है 1 × 2 × 3 × 4 × …… 10 × में शून्य की संख्या क्या होगा तो स्क्वायर से घर बनाना नहीं है इसमें जैसे निकालते तो वही कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे लास्ट में कितना है 10 तो 10 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे कितना आया दोस्तों 2 आया अब उसका जो 2 आया 2 को क्या करेंगे फिर ये स्क्वायर वाला था तो इसको क्या करेंगे 2 जो आया शून्य निकल गया 2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर कितना है 4 तो मेरा शून्य की संख्या कितना है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अगला क्वेश्चन है क्यू वाला देख लेते हैं तो क्यू में क्या है 1 × 3 × 4 × …… 5 × …… …10 × में शून्य की संख्या निकालना है तो की संख्या तो उसमें भी चाहे स्क्वायर में हो चाहे क्यूब में हो उससे आपको घबराना नहीं है फिर उसी तरह कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे क्वेश्चन पे रखा है लास्ट में जो है डिजिट को यूज करना है लास्ट डिजिट कितना 10 है तो 10 है तो 10 को क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 5 × 10 2 आया शून्य की संख्या 2 आया लेकिन इसमें क्यू है तो क्या करेंगे इसको क्यू कर देंगे 2 का क्यू करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 2 × 4 × …8 मेरा शून्य की संख्या कितना है 8। तो आप देखिए दोस्तों कि शून्य की संख्या निकालना कितना आसान हो गया आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें
हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।